लेंथ होती है डिवाइड बाय एक्स लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो अभी आगे इसको भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो समथिंग वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो टाइप का इक्वेशन होगा उसका। ठीक है, बट इसको आगे देख लेंगे, कोई नहीं। अभी अभी क्या हम सीखने जा रहे हैं, देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉज ऑफ मोशन। क्या देखा था हमने? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। और इसमें जब सेकंड लॉ से थर्ड लॉ पे जा रहे थे हम, तो फर्स्ट लॉ हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमने फर्स्ट लॉ हमने देखा था कि इफ एक्स एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो देन ए इक्वल टू जीरो होता था। ठीक है, देन आइदर योर स्पीड इज जीरो आर योर स्पीड इज कांस्टेंट इन अ कॉन्स्टेंट। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन, ना यूएफएम यूनिफॉर्म मोशन। देन सेकेंड लॉ पे गए थे, सेकेंड लॉ पे क्या देखा था हमने कि इफ एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया था डज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स वेलोसिटी विल बी गिवन एज यू प्लस ए टी। एंड इसमें हमने देखा था कि जो हमें एफ मिलेगा एक्चुअली में प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा? डी पी बाई डी डीटी टी के हो जाएगा। ओके, और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हम, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने क्या देखा था कि इस प्रोसेस में ये एफ आपका जब टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी तो वन ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, फोर्स और वन ऑब्जेक्ट था हमारे पास में। जब फोर्स और वन ऑब्जेक्ट से टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जाने लगे हम, तो हमने क्या देखा, टू ऑब्जेक्ट आने की वजह से जो भी रिएक्शन होगा उसका एक रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो गया था हमारे पास में। और उसी पीरियड में हमने एक नया क्वांटिटी देखा था, एक नई यूनिट वेक्टर देखी थी हमने, उसका नाम था इम्पल्स। ठीक है, तो यस सर। मुझे बताओ कि इम्पल्स क्या होता है? एक नई क्वांटिटी हमने देखी थी इम्पल्स। ठीक है, आज हम इम्पल्स को थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, इसलिए ठीक है बताओ। लवण्या भी है? हेलो, यस सर। ओके चलो बताओ इम्पल्स क्या होता है, बताओ मनस मनस भी। हेलो हेलो, यस सर। हाँ मनस्वी आवाज आ रही है बेटा? आप बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा। तो एक काम कर सकते हैं आप, इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। हेलो, हाँ सर, आप कितने बजे तक क्लासेस लेते हो? आप साढ़े कितने बजे तक क्लासेस लेते हो? ग्यारह तक तो मिल लेता है यूं, 11:30। उसके बाद में कुछ बच्चे हैं हमारे पास यूएस के, तो वो 12 बजे रात में स्टार्ट करते हैं, 12 के बाद। सर, आप पूरी रात को सोते नहीं हो? नहीं नहीं सोते हैं। हाँ मनस्वी बेटा, हेलो, यस सर। हाँ आ गई आवाज आपकी। इम्पल्स क्या हमने डिफाइन किया था? सर, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम। हाँ डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। यस सर। सर, ओके, कंडीशन क्या थी इसकी? वो याद नहीं है। ओके, तो हमने क्या देखा था इस सिचुएशन में कि जब भी कोई बॉडी है होती है हमारे पास, वो एक स्पीड में चल रही होती है, एक नई बॉडी के कांटेक्ट में जब आती है, तो या तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड जब कम हो रही होती है या इनके बीच में कुछ हो रहा होता है, ये मिलते हैं जब, तो क्या होता है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्या है, बहुत ही स्मॉल टाइम में, ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम में इनकी वेलोसिटी चेंज, जैसे दो चीज टकरा जाएं तो टकराने पे क्या होता है, उनकी बहुत ही स्मॉल टाइम में उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, यानी उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है बहुत ही स्मॉल टाइम में। तो डिफाइन कैसे किया गया था कि व्हेन ए लार्ज फोर्स, व्हेन ए लार्ज फोर्स
एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, देन चेंज इन मोमेंटम, देन चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, तो आज इसी इंपल्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चा कर नहीं पाता है कभी, क्योंकि बहुत ही उसे कंफ्यूजन रहती है कि चेंज इन मोमेंटम ये तो फोर्स ही था या क्या था, कैसे इसको करें या इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। तो इसको आज डिटेल में हम देखेंगे ताकि एग्जाम में हमें प्रॉब्लम ना हो कोई। ओके, यस सर। और ये चीज बच्चा जब 11th 12th में पढ़ रहा होता है तो वहाँ पे इस पे बहुत फोकस नहीं दिया जाता क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक डेफिनेशन देके काम चला लिया जाता है वहाँ पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इम्पल्स। इम्पल्स पढ़ने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे जो फोर्सेस हैं डिफरेंट टाइप के, और हमारा फोकस होगा इस क्लास में यहाँ पे कि हम जाने स्प्रिंग और पुली से जुड़े हुए क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखो इम्पल्स, तो इम्पल्स को हमने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, लेट अस एज्यूम टू अंडरस्टैंड द इम्पल्स। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता था, सेकेंड लॉ कहता है कि मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस इफ द नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल्स। ठीक है, सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस इफ द नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल। लिख लेते हैं स्टेटमेंट को, the momentum of particles of a particle changes if the नेट फोर्स एक्स ऑन द पार्टिकल, लेट नेट फोर्स इज। ठीक है, सिग्मा एफ, लेट नेट फोर्स सिग्मा एफ एक्स ऑन ए पार्टिकल, एक्स ऑन ए पार्टिकल एंड दैट and that this force may vary with time। देखो यहाँ पे जो भी वर्ड लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके न्यूमेरिकल बनाने के लिए या रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, may vary with time। ठीक है, may vary with time मीन्स जो फोर्स है वो वेरिएबल हो, टाइम के साथ वेरी कर सकता है, तभी इंपल्स की बात आएगी। ठीक है, मे वेरी विद टाइम, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या बन जाएगा ये, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ दिस फोर्स एफ विल बी डीपी बाई dt हो जाएगा, r dp इक्वल टू दिस समेशन f इंटू dt हो जाएगा। ठीक है,
रीजनिंग के क्वेश्चन अभी भी आते हैं नीट में? बेटा आ सकता है, कोई रोक नहीं है, क्योंकि आप एसर्शन रीजन ना बना करके जो है, ठीक है, उस पे बेस्ड डायरेक्ट स्टेटमेंट दे करके पूछ सकते हैं। अभी तो एसर्शन रीजन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है नेट में, लेकिन अगर उन्होंने उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट बना दिया तब क्या करोगे आप? यस आप क्वेश्चन में देखो तो करीब 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली में उनको एसर्शन रीजन होना चाहिए, बट उनको स्टेटमेंट बना करके दे दे रहे हैं अभी। देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, आर डीपी इक्वल टू एफ डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं छोटा सा, मान लेते हैं दिस वॉज अ कर्व, ठीक है, और हमें पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक इसका एरिया निकालना है, ओके। तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते थे? चूंकि इस कर्व को तो हम किसी उसमें डिफाइन नहीं कर सकते थे, ना तो रेक्टेंगल बना सकते थे, ना ट्रायंगल बना सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, तो हम किने क्या किया था, हम क्या करते थे, हम इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते थे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं इसको। और जब छोटे छोटे पार्ट एक स्ट्रिप में ब्रेक कर लेते हैं ऐसे ऐसे, तो हम क्या देख सकते हैं कि जो छोटे से पार्ट का है इसका जो कर्व है ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें सीम होगा, मतलब दिखाई पड़ सकता है, या हम इसको मान सपोज कर सकते हैं विद मिनिमम एरर। तो उस केस में ये एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा, छोटा सा स्ट्रिप। इस तरीके से हर छोटी स्ट्रिप का एरिया निकाल निकाल करके उसको हम ऐड कर लें, तो समेशन आप ए कर दें। समेशन आप ए मतलब पहली स्ट्रिप का एरिया, दूसरी स्ट्रिप का एरिया, डॉट 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 जो nth स्ट्रिप है उसका एरिया निकाल लें। इसी प्रोसेस को इवेल्यूट करने के लिए, इफ दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू ए टू बी, पुट अप कर दिया जाए यहाँ पे, और इसको आप ये, सॉरी ये dx है और ये आपका ए वाई या बी वाई जो भी आप इसको एज्यूम कर रहे हो, तो क्या करते हैं इसी चीज को, इसी एरिया को हम सिंपली जो आपके इंटीग्रेशन होते हैं इसको इंटीग्रेट कर लें अगर इसके बीच में, तो भी ये चीज निकल जाती है। यानी जब छोटी छोटी क्वांटिटीज का समेशन हो हमारे पास में, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम समेशन का जो साइन होता है उसको इंटीग्रेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिमिट पुट अप करके हम उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, यस ओके। तो यहाँ पे जो आपका एफ डी टी है, इसको हमने मान लिया कि बहुत सारे फोर्सेस का नेट फोर्स था ये, तो वो सारे फोर्स पार्टिकल पे काम कर रहे हैं, तो उन सबका जो इंडिविजुअल चेंज है उन सबको ऐड करें, यानी समेशन आप F1 dt प्लस F2 dt प्लस डॉट डॉट Fn dt, तो रादर देन एडिंग देम इट विल बी इजी टू इंटीग्रेट देम, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज डीपी कैन बी डेल्टा पी एंड इंटीग्रेशन लेट्स टी इनिशियल टाइम टू टी फाइनल टाइम तक एफ डी टी हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये एफ FTT डी टी हो जाएगा, वेयर डेल्टा पी इज द मोमेंटम एट टाइम टी एंड मोमेंटम एट टाइम एफ, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, तो पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा। तो डेल्टा एफ इज पी एफ माइनस पी आई एंड दिस इज इक्वल टू टी आई टू टी एफ एफ डी टी, ओके। लेट अस से दैट दिस इज इक्वेशन, लेट से दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू, ओके, ठीक है बेटा, यस सर। ओके। नाउ टू फाइंड आउट दिस डेल्टा पी वी नीड टू नो द फोर्स, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, इफ वी नो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस देन वी कैन फाइंड आउट दिस डेल्टा पी, ओके। नाउ
दिस क्वांटिटी, द क्वांटिटी, इट मीन्स द क्वांटिटी डेल्टा पी आर इंटीग्रेशन ऑफ टी आई टू टी एफ एफ डी टी इज नोन एज इंपल्स. देयरफॉर वी कैन राइट एज आई वेक्टर आई एज टी आई टी एफ वेक्टर एफ डी टी. ठीक है, तो यहां से हमें क्या क्या चीजें निकलेंगी. सबसे पहले उन चीजों को फाइंड आउट कर लेते हैं कि दैट आई एन इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू इक्वल टू द एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कर्व दे दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है ये कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, या इस क्वांटिटी के लिए कर्व कैसा होगा. ठीक है, फोर्स टाइम कर्व बनाते हैं. फोर्स टाइम कर्व एज शोन इन फिगर. ठीक है, फोर्स टाइम कर्व बनाते हैं. ठीक है सर. हाँ बेटा बोलो. सर आपने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें टाइम और मास का कर्व था. हाँ सर वो वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ था. बिल्कुल, उसको भी देखेंगे कि टाइम और मास है तो वहां पे क्या मोमेंटम होगा, फोर्स होगा, या काइनेटिक एनर्जी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगा. ठीक है सर, बल्क की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वही होगी ना. इंपल्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, ये भी आगे डिड्यूस करेंगे अभी एक मिनट में. ठीक है, देखते हैं. नाउ दिस इज फोर्स टाइम कर्व एज शोन इन फिगर. सो लेट अस मेक कर्व फॉर दिस. तो यहाँ पे एफ है, एफ डी टी है. पीछे देखा था हमने वाई डी एक्स था हमारे पास में, या एफ डी एक्स था हमारे पास में. तो इट मीन्स द क्वांटिटी हियर दैट इज एक्टिंग फॉर दिस मच टाइम. ठीक है, जिसके लिए लिमिट पुटअप करते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे जाता है. जिसके लिए लिमिट पुटअप करेंगे वो कहाँ जाएगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे जाएगा. ठीक है, लेट्स से दिस इज टी आई एंड लेट्स से दिस इज टी एफ. और जो भी क्वांटिटी आपकी होगी दूसरी क्वांटिटी वो वाई एक्सिस पे होगी. वो कहाँ पे होगी, वाई एक्सिस पे होगी. ठीक है, आगे भी ग्राफ बनाना पड़ेगा तो हम इसी तरीके से बनाएंगे, वाई एक्सिस पे और टी एक्सिस पे. तो ये जो एरिया है इसके अंदर हुआ ये आपका इंपल्स हो जाएगा बेटा. ठीक है, ये जो एरिया यहां से है इसके अंदर ये आपका इंपल्स हो जाएगा. ठीक है, नाउ यहां पे जो नेट फोर्स था वो कैन वेरी विद टाइम. हियर नेट फोर्स कैन वेरी विद टाइम. ठीक है, क्योंकि इस तरीके से बना हुआ कर्व, तो हियर नेट फोर्स कैन वेरी विद टाइम. ठीक है, नाउ लेट्स से दिस इज फिगर वन. ठीक है,
हियर यू हैव ऑप्शन दैट योर नेट फोर्स कैन वेरी विद टाइम. हियर नेट फोर्स कैन वेरी विद टाइम. देन इम्पल्स विल बी द एरिया अंडर द कर्व. ये जो है ये आपका इम्पल्स हो जाएगा. एक और सिचुएशन इसी का लेते हैं. लेट्स से दिस इज टी आई एंड दिस इज टी एफ. तो ये टाइम ही रहेगा आपका. ओके इसी इक्वेशन का बनाते हैं, एक नए तरीके से बनाते हैं इसको हम, और देखते हैं कि क्या एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट काम करेगा. लेट्स से हियर दिस इज एफ एफ ओके. ठीक है, दिस इज एफ एवरेज. हियर ए बी लिख सकते हैं इसको. ओके एफ जब वेरिएबल फोर्स काम कर रहा तो कर्व आपका ऐसे बन रहा था. अब अगर हमने एफ एवरेज का कॉन्सेप्ट ले लिया कि एफ एवरेज जो भी एफ इस पे लग रहा था टी आई से टी एफ तक, उसका एवरेज जो होगा वो इस डैश लाइन से रिप्रेजेंट करे, मतलब फोर्स को हमने कॉन्स्टेंट कर दिया. क्या कर दिया? कॉन्स्टेंट कर दिया. देन योर इम्पल्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाई दी दिस एरिया ओनली. ओके then your impulse will be represented by this shaded area. Okay? Since then अगर constant करेंगे तो अगर आप देखें तो ऐसे बनेगा ना, f constant हो जाएगा t के साथ, मतलब t change नहीं, ये value change नहीं होगा constant का line. तो आपको t1 से t2 निकालना है तो t1 पे perpendicular, t2 perpendicular डाल दो, ये जो बनेगा ये आपका area बन जाएगा अगर f आपका constant हो गया. f average लिया मतलब आपने f को constant कर दिया. ठीक है बेटा. यस सर. देन योर एरिया विल बी इंपल्स विल बी गिवन बाय दिस एरिया, दिस साइडेड एरिया. हियर एफ एवरेज इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. एफ हियर एफ कैन नॉट वेरी इन दिस केस, दिस इज ए कांस्टेंट. ओके तो आप आइदर एफ एवरेज से निकालो इंपल्स को, चाहे एफ वेरिएबल से निकालो इंपल्स को, दोनों आपको क्या देंगे? सेम एरिया देंगे, क्योंकि जो एफ लग रहा था यहाँ पे एक्टिंग कर रहा था उसी एफ का एवरेज वैल्यू यहाँ पे हमने यूज किया है. ओके यस सर. तो हियर एरिया अंडर दैट रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. नाउ ओके आई इक्वल टू टी आई टू टी एफ एफ इन टू डी टी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट था द डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स. नेक्स्ट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स is the same as the direction of as the direction of. बताओ क्या होगा यहाँ पे अगला word? Force. As the or दो बच्चे हैं आप बताइए क्या होगा. एक ने फोर्स कहा, दूसरा जो है जिसने बताया वो बताया क्या होगा. इज दैट डायरेक्शन, बोलो फटाफट. फोर्स. अच्छा दोनों का फोर्स ही है. मोमेंटम. मोमेंटम है लेकिन कुछ और चाहिए उसमें.
स्पेसिफिक होना चाहिए, नो बात, नो प्रॉब्लम, देखते हैं. चेंज ऑफ मोमेंटम. यस यस, दैट्स द पॉइंट. द इंपल्स वेक्टर इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम. ऑफ द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी पॉइंट है कि जो आपका मोमेंटम था वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी था, क्योंकि उसका मास था, उसकी वेलोसिटी थी, तो p इक्वल टू एम इन टू बी था. बट जो आपका इम्पल्स है वो एक्चुअली में पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं होता है. और इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट. ये दो बार समझ में आ गई आप लोगों को. इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व. जो पहला वर्ड होता है उसको पहले लिखते हैं, सेकंड वाले को बाद में लिखते हैं. और जो इसका ग्राफ बनाना होता है, तो जो आपका पहला वर्ड होता है जो यानी जिसकी फुल मैग्नीट्यूड होती है वो आपका वाई एक्सिस पे जाता है, जो आपका चेंज हो रहा होता है वो आपका एक्स एक्सिस पे जाता है. ठीक है, यानी ये आपका वेरिएबल्स है यहाँ पे. ओके ठीक है बेटा. सेकेंड है, डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स वेक्टर इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम होगा. थर्ड पॉइंट है इसमें जो कि इसकी प्रॉपर्टी है जानना चाहिए हमको, वो है अच्छा इसका जो आपका क्या बोलते हैं डायमेंशन होगा वो तो सेम होगा, मोमेंटम की तरह ही होगा, एम एल टी इनवर्स. इम्पल्स इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल. इम्पल्स इज Not a impulse is not a property impulse is not a property of a particle. ठीक है, of a particle rather it is a measure of the degree to which an external force changes the particle's momentum. Changes the particle's momentum. ठीक है, here the equation 2 जो था ये एक important theorem है, इसको बोलते हैं impulse momentum theorem. ठीक है, equation 2 is known as known as known as the impulse momentum थ्योरम. तो इंपल्स क्या बेटा, अब अगर आपसे कोई पूछे इंपल्स क्या है, तो इंपल्स को आप इस टर्म में डिफाइन करोगे. किस टर्म में? इस वाले टर्म में. यहां से डिफाइन करोगे इंपल्स को इस वाले स्टेटमेंट कि इट इज ए मेजर ऑफ द
डिग्री टू व्हिच एन एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस द पार्टिकल्स मोमेंटम। ओके, ठीक है, ठीक है सर। ओके, हियर वी कैन राइट एट डेल्टा पी इक्वल टू आई। ठीक है, तो जनरली जो इसके डिफिनेशन है इंपल्स की, ये कहता है कि लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल टाइम, बट अगर कोई स्मॉल फोर्स है एक्टिंग फॉर लार्ज टाइम, देन आल्सो वी कैन फाइंड आउट द इंपल्स इन प्रिंसिपल, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा ये गया था कि इफ ए लार्ज स्मॉल फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम, ए स्मॉल फोर्स एक्टिंग फॉर लार्ज टाइम, आर दिस सिचुएशन अप्लीकेबल टू फाइंडिंग द इंपल्स। तो इंपल्स किसी भी सिचुएशन में फाइंड किया जा सकता है, बट जनरली जो इसको डिफाइन किया जाता है, देखो हमने हमेशा कहा जनरली, मतलब ऐसा नहीं है कि यही एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम, अगर कहीं पे आपके पास स्मॉल फोर्स है और लार्ज टाइम है तो भी आप इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इंपल्स क्या है, इंपल्स इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री टू व्हिच एन एक्सटर्नल फोर्स चेंज द पार्टिकल्स मोमेंटम। ओके, नाउ इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले, तो इस पे देखो कुछ और ग्राफ बना के देखते हैं कि और किस तरीके से इसका ग्राफ दिया सकता है, या उसमें अगर इंपल्स निकालना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं दो ग्राफ बना के दिखा रहा हूं और आपको बताना है कि इसमें इंपल्स क्या होगा। टी है, यहाँ पे टी वन है, यहाँ पे टी टू है, और ये फोर्स दिया हुआ है एफ। ठीक है, एफ एवरेज है, ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, आपको पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, आपको बताना है कि इसमें इंपल्स क्या क्या होगा। एक दूसरा सिचुएशन में दे रहा हूं, ये आपका फोर्स है, ये आपका टाइम है T1, ये है आपका टाइम T2, ये पॉइंट है आपका A डैश, ये पॉइंट है आपका B डैश। अब आपको बताना है इन दोनों में जो है इंपल्स क्या होगा या कहाँ तक होगा। ये डायग्राम बना करके इंपल्स जितने क्षेत्र में एरिया में होगा वो बना करके मुझे फटाफट फोटो भेज दो। इम्पल्स वाला जो पोर्शन होगा उसको शेडेड करके हमें भेज दो। हो गया बेटा, एक मिनट सर। मनस्वी बेटा आपका? यस सर, मेरा भी हो गया। हाँ, भेज दिया? भेज रही सर।
सर आपका नंबर मम्मा के फोन में है। बेटा आप सेव कर लो, यस सर, आप एक बार दोबारा बता दोगे सर अपना नंबर? 7827 यस सर, 37 2589। लावण्या हेलो यस बेटा, लेजी नहीं बनते हैं इसमें। आपने जो बना दिया है मैं उस तरीके से बनाऊं यहाँ पे? इसका मीनिंग क्या हुआ? सर, एरिया शेड किया है मतलब बस इतना एरिया जितना सेट किया है ना। सर, मतलब आप पॉइंट समझ गए ना हाँ मिल सर, मैंने आपको भेज दिया है। गया। हाँ देखो, मनस्वी ने पूरा सही किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये पूरा पूरा एरिया जो है ये आपका हो जाएगा इंपल्स। अगर आपसे पूछे इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा तो कितना होगा वो? कितना होगा बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे? फटाफट बोलो, जितना इंपल्स होता है वही चेंज इन मोमेंटम होता है ना। यस सर, ये जो आपका सेडेड एरिया, यही चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, यही आपका इंपल्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है सर। ओके गुड। तो यहां पे लिख सकते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसको लिख सकते हैं जे भी लिख सकते हैं, T1 to T2, FDT इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं T1 to T2, DP इक्वल टू हो गया टोटल चेंज इन P इक्वल टू इंपल्स हो गया। ठीक है ना? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। इन ए पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट, इन ए पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट ए कार ऑफ मास एम 1500 kg कोलाइड्स विद ए वॉल एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, दी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार आर BI इक्वल टू -15.0 I मीटर पर सेकेंड एंड बी एफ इक्वल टू 5.00 I मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ द कोलिजन
लास्ट 0.2150 सेकेंड फाइंड दी इंपल्स कॉज्ड बाय दी कोलिजन एंड दी एवरेज फोर चार्टर्ड ऑन द कार। ठीक है, तो अगर पीछे कॉन्सेप्ट आपने समझना है तो इसको फटाओ बना दो फटाफट, 2 मिनट के अंदर डायग्राम बना दूं मैं या चल जाएगा काम ना डायग्राम की भी। दिस इज योर वॉल, ठीक है, ये आपकी कार है, ठीक है, ये आपकी कार है। तो सबसे पहले ये आती है इसके पास में और ये इससे टकराती है, तो जब ये टकरा रही होती है तो इसमें इसकी वेलोसिटी होती है आपकी दी हुई है वो -15.0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और जब ये इससे टकरा जाती है कार दीवार से तो आपको दिया है वेलोसिटी कितना हो जाता है इसका टकराने के बाद में, टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन है वेलोसिटी का ये, इसके बाद डायरेक्शन हो जाता है यहाँ पे 5.0 मीटर पर सेकंड, ये डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन दी हुई है, इसका मास दिया हुआ है कार का, मास दिया हुआ है आपको कितना 1500 kg दिया हुआ है। देखो हमें निकालना क्या बेटा, हमें इम्पल्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, हमें इम्पल्स निकालना है और एवरेज फोर्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम क्या सोचे, वेलोसिटी और मास दिया है तो हम इसको इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स आई इक्वल टू डेल्टा पी होता है, ये पी एफ माइनस पी आई होता है, ओके। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें, हाँ बेटा, इम्पल्स 30,000 है, इम्पल्स आपका 30,000 है और उसके साथ में कुछ और डायरेक्शन क्या होगा इम्पल्स का सर, अगर मैग्नीट्यूड सही है तो डायरेक्शन भी सही आना चाहिए, आई होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सर कौन सी डायरेक्शन, आई मतलब प्लस एक्स, ओके ठीक है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ उस चीज को, पी एफ कितना दिया हुआ है, पी एफ आपका हो जाएगा एम इंटू बी आई, ये कितना हो जाएगा 1500 kg इंटू -15.0 I मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा -2.25 × 10⁴ लिख दें 1000 की हो जाए 0 0 करके, ये kg m पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये PI निकाला था हमने, तो PF कितना हो जाएगा m इंटू बी एफ, वैल्यू पुट अप कर दो, मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमें एक बार दिख जाए कि
हमसे मिस्टेक कहाँ पे होता है कई बार, कई बार क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन हम कभी छोड़ नहीं सकते, मतलब साइन कभी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये कितना है, 2.5 पॉइंट 5.00 आई मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0.75 हो जाएगा 10^4 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ध्यान है यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे भी आई रहेगा, तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आई ऑलरेडी था तो आई आई प्लस हो जाएगा सारा। आप देखो आपको डायरेक्शन अपने आप मिल गया, 0.75 10^4 आई प्लस ये हो जाएगा 2.25 10^4 आई, आगे यूनिट बाहर कर दिया मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको ऐड कर लें 3.0 10^4 एंड 30,000। देखो आई आ गया अपने साथ में ना, केजी मीटर पर सेकंड, तो आई आ गया, तो डायरेक्शन मिल गया हमको। है सर फोर्स माइनस 7500 न्यूटन है, फोर्स हमारा कितना है 70, ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया होगा, चेक करो एक बार, m into a ही करेंगे ना। हाँ हाँ 1.50 से उसको डिवाइड करोगे, ये आपका 3 है, ठीक है, तो इसको आप एक तरीके से 15 ऊपर 10^2 से मल्टीप्लाई करके 3 को 15 से डिवाइड कर दो, तो 30/15 टू, फिर 2 10^5 आना चाहिए फोर्स। ठीक है, नाउ देखते हैं, नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, इंपल्स आई इक्वल टू डेल्टा पी, ये इक्वल टू कितना था, एवरेज फोर्स एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, यही था ना। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज एफ एवरेज इक्वल टू इंपल्स, इंपल्स कितना आया 3.0 10^4 आई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, कितना दिया हुआ है मुझे 0.150 सेकेंड दिया हुआ है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3.0, तो इसको क्या करो, यहाँ से 0.2 हटा दो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, ये 300 हो जाएगा, बट अब 15 हो जाएगा, 10^4 ऊपर रखो, इससे कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसको काट दो, 2 × 20 हो जाएगा, इसका एक पॉइंट यहाँ लगाओ तो ये 5 हो जाएगा पावर। एफ एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.0 × 10^5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका भी, आई। बस समझ में आ गई? यस सर। मिस्टेक कहाँ हुआ था बेटा? सर मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन से किया था। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकाला आपने? सर इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाय 2। अच्छा, तो ऐसा उसमें प्रॉब्लम आती क्यों आती, देखो एक बार इसको समझ लेते हैं, ये दीवार थी आपकी, है ना, ये कार यहाँ पे आई, तो कार यहाँ पे टकराती है जब, तो मानते हैं कि जब टकरा रही होती है वेलोसिटी 0 हो जाती है उसकी, और उसके बाद में चूंकि जो आपका रिएक्शनरी फोर्स है उसकी वजह से ये वापस जा रही होती है। ठीक है, ओके ओके सर, तो जब कोलिजन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें m into a से नहीं करना? हाँ बिल्कुल नहीं, क्यों करेंगे, हम जब इंपल्स का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। ठीक है, देखो आपके किसी भी सिस्टम में जो कंजर्व होता है, ठीक है, वो कभी फोर्स कंजर्व नहीं होता है, हमेशा एनर्जी या मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो हमारे लिए हमेशा बेटर होगा कि मोमेंटम और
फोर्स के टर्म में हम चीजों को डील करें, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाय द वे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब आप डेल्टा बी की बात करोगे यहाँ पे कितना चेंज हो गया आपका, बी में कितना चेंज आएगा आपका, तो बी का आपका जो है -15 था, ये आपका 5 हो गया, तो बी 5 -15 करोगे तो डेल्टा बी आपका हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे 20.0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी आपसे, मैं देख लेता हूँ उसको। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो जाएगी, ये हमारा ए हो गया। अब अगर हमको एफ चाहिए तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एम हो जाएगा, यानी एम इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। और एम इंटू डेल्टा बी हमने पीछे निकाला हुआ था अभी, ठीक है, एम इंटू डेल्टा बी ही तो निकाला था हमने पीछे, वो वही वैल्यू आई थी हमारे पास ना, चेंज इन मोमेंटम एम इन टू डेल्टा बी। ठीक है, कितनी आ जाएगी निकाल लेते हैं, ये 1500 था, ये 20 आई है, अपान 0. कितना है ये 15 है ना, मैं यूनिट नहीं रख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से भी तो वही चीज हमको मिलने वाली है, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा, इसको 10^2 कर दें, इस 20 को भी हटा दें तो ये 10^4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा 15 कैंसिल हो जाएगा, इसका भी डेसिमल यहाँ ले जाएं तो ये आपका 2.0 10^5 हो जाएगा, ये है ना। यस सर, यही वैल्यू हमारे पास है ना यहाँ पे। यस सर, ठीक है, तो इसमें कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी, गलत कर दिया था, प्लस माइनस में गलत, हाँ ये ब्लास्टी निकालते टाइम आपने वो मिस्टेक हो गई होगी, 5 और 15 10 कर दिया होगा तो प्रॉब्लम, यस सर मैंने 10 ही किया था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब ब्लास्टी कैलकुलेट करते हैं तो कई बार ध्यान नहीं देते हैं डायरेक्शन का, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम मोमेंटम कर रहे हैं तो मोमेंटम के टर्म में ही करें हम। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कहाँ से आया, एम इंटू डेल्टा बी ही तो आया है ना। ओके सर, मुझे 2 डाउट्स थे। हाँ बोलो सर, जो मैंने आपको भेजा है ना वो पीडीएफ, सर उसमें क्वेश्चन 19 और 20 ये इंपल्स पे है? नहीं सर, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे है। अच्छा, 19 और 20 सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे है आपका ये, एक मिनट बेटा। हाँ देखो बेटा, इसके लिए अभी हमें मोमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, okay. तो उसको हम जो है अभी हम उस चीज को पढ़ने के बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी क्या है, हम कुछ एग्जांपल और देख लें इंपल्स के, उसके बाद में हम आगे बढ़ चलेंगे। हाँ तो मुझे कुछ एग्जांपल बताओ इंपल्स के जो आप लोगों ने कभी देखा हो, सम एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने हिसाब से हम, लिक्विड जेट स्ट्राइकिंग ए वर्टिकल वॉल नॉर्मली। ठीक है, ये आपका लिक्विड जेट है, यहां से पानी निकल रहा है आपका। ठीक है, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया,
ये यहाँ से आपका वाटर निकल रहा है या कुछ भी निकल रहा, कोई भी लिक्विड, यहाँ से आप लिक्विड जेट यहाँ पे आपने वाल फिक्स कर दिया, ठीक है। और इस पे अगर इसको आप इसके फवारे को मारो तो आप ये इम्पल्स इम्पार्ट करेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फोर्स इसमें कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा तो कितना होगा बता सकते हो, अगर ये डेल्टा एम इसका मास हो, बी इसकी वेलोसिटी हो, और एक्स जो है इसका पूरा आपका कुछ भी मान लो, कुछ है आपका एफ, कितना लगेगा इसमें निकाल सकते हैं। नहीं सर, इम्पल्स तो शायद मास डेल्टा एम इनटू वी इनटू एक्स होगा ना। ओके okay. निकाल लेते हैं, लेट स्मॉल एलिमेंट ऑफ लिक्विड ऑफ मास डेल्टा एम, ठीक है। देन द चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग स्ट्राइक पर दिस स्ट्राइक आफ्टर स्ट्राइक इज डेल्टा पी, जेट का निकाल रहे हैं, ठीक है, 0 माइनस डेल्टा एम इंटू बी, ये माइनस डेल्टा एम इंटू बी हो जाएगा, बट वी नो दैट डेल्टा पी जेट प्लस डेल्टा पी वाल, डेल्टा पी वाल इक्वल टू 0, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। सो सो डी ट्रांसफर, ये बात समझ में ही नहीं आई, ये वाली पॉइंट, नहीं स्ट्राइक आया। करने के बाद में पानी गिर गया आपका यहाँ पे ना, ठीक है, तो आपका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 0, और स्ट्राइक करने से पहले कितना मोमेंटम था एम एन टू बी, ओके। बेटा तो फाइनल मोमेंटम 0 के बाद। पानी इस पे स्ट्राइक करने बाद नीचे गिर जाता है ना, ठीक है। तो अब इसमें वाल को कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, देखो पी जेट इक्वल टू डेल्टा पी 0 है, तो डेल्टा पी वाल कितना हो जाएगा, सो डेल्टा पी वाल कितना हो जाएगा, सो डेल्टा पी वाल इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू डेल्टा बी, यानी ये जो वाटर इस पे टकराने पे इतना मोमेंटम वाल को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस एम इन टू बी था। ये बात समझ में आ गई नहीं आई, हेलो। यस सर, आ गए। अगर आपने जेट से वाल पे पानी डाला या टकराया लिक्विड आपके आकर के, यहाँ पर टकराने के बाद में क्या हुआ, ये रुक गया या यहाँ पे गिर गया, ठीक है, तो क्या सिचुएशन बनी, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, या ये उसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मान लो यहाँ दीवार से टकरा करके ये ऊपर निकल गया या नीचे गिर गया, क्या हुआ, ऊपर निकल गया या नीचे निकल गया, तो आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और जो भी चेंज हम देखते हैं वो उसी डायरेक्शन में देखते हैं जिस डायरेक्शन में हम फोर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई ना।
अगर ये ऊपर किसी वेलोसिटी से चला भी जाए तो भी एक्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो वहां पे तो जीरो हो गई ना, क्योंकि इस दीवार को क्रॉस करके तो कोई भी लिक्विड जा नहीं सकता आगे अब। ओके ठीक है, ऐसा आपने जेट पे डाला तो आपका एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी नहीं बचेगी अब। ठीक है, ओके। नाउ लेट डेल्टा टी इज द टाइम, डेल्टा टी इज द ड्यूरेशन ऑफ स्ट्राइक, देन फोर्स एग्जर्टेड बाई जेट कितना हो जाएगा, जेट ऑन वॉल ये हो जाएगा जितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है वॉल को, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, ये डेल्टा एम इंटू बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, या एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं। अच्छा, डेल्टा एम क्या है, मास है। क्या है डेल्टा एम, मास है। हमको पता है मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस डेल्टा एम कैन बी रिटेन एज रो इंटू डेल्टा बी। ये डेल्टा बी जो है वॉल्यूम के लिए है, रो इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इंटू बी, ये बी वेलोसिटी के लिए है। ओके बेटा, लिख सकते हैं इसको। इसे लिख सकते, नहीं लिख सकते सर। लिख सकते हैं आप। डेल्टा बी बाई डेल्टा टी क्या है, इसका वॉल्यूम है, ये टाइम है, तो रेट ऑफ फ्लो हो गया। ये क्या हो गया, डेल्टा बी बाई टी आपका रेट ऑफ फ्लो हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं रो ए इंटू बी। यहां से जो फोर्स आपका लग रहा है, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी रो ए इंटू बी, वेयर वेयर रो इज डेंसिटी, बी इज ए वेलोसिटी ऑफ जेट, एंड ए इज डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज रेट ऑफ फ्लो। क्या है ये, रेट ऑफ फ्लो। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि कितना मोमेंटम आपका वॉल पे ट्रांसफर करेगा या कितना फोर्स उस पे लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी का एक स्पेशल केस देख लेते हैं, एक मिनट लगेगा। स्पेशल केस क्या है कि जो जेट है वो एक एंगल पे अगर स्ट्राइक करे, ये आपकी वॉल है, और जो जेट है वो आपकी एक एंगल पे इसके वॉल से स्ट्राइक करे, इसको बना सकते हैं ऐसे। ठीक यहां से बाहर निकल जाएगा ऐसे, ये यहां से लिक्विड अंदर आ रहा है। डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, वाई है, ये डायरेक्शन एक्स हो गया। तो इस केस में जब सिचुएशन बनेगी तो आपका देखो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एम ही रह जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में जो आपका सिचुएशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये अगर आपका बेस है तो हमने कल वेक्टर रिजोल्यूशन के बारे में बात की थी कि इस वेक्टर को अगर हम डायरेक्शन में चेंज कर दें, ये वेक्टर था वेलोसिटी का, ये वेक्टर है वेलोसिटी का, ये एंगल थीटा है, तो
एक्स एक्सिस के अलांग अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में इसको ब्रेक करना चाहें, तो ये आपका बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर देखें तो। तो बेस इक्वल टू क्या होता है हमेशा बेटा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा होता है ना। हेलो हेलो yes. तो ये आपका जो पीछे फार्मूला आया हुआ था वो सारा फार्मूले में सारी वैल्यू हमारी हो जाएगी डेल्टा पी एक्स वाल, पी एक्स वाल ये क्या था टू एम टू डेल्टा एम बी कॉस थीटा हो जाएगा ये, एंड डेल्टा पी वाई वाल ये आपका जीरो रह जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इस डायरेक्शन में यहाँ पे आया, इस डायरेक्शन में चला गया। अब देखो ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला वेक्टर था, इसको रिजॉल्व करोगे तो इसके लिए भी बेस ये बन जाएगा, तो इसमें भी क्या मिल जाएगा बी कॉस थीटा ही मिल जाएगा आपको। तो एक्स डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी चेंज क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये टू बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस बाकी पुराना फार्मूला जो था हम उसी को यूज कर सकते हैं, एफ इक्वल टू डेल्टा पी वाल कर लेंगे, ये आपका टू एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, एफ की जो आएगी वो हो जाएगा जहां पे सब कुछ था खाली टू आ जाएगा नया, टू रो टू रो ए बी कॉस थीटा बन जाएगा ये। ठीक है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा जहां पे ए आपका। ओके, यहाँ पे एक करेक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे था हमारे पास डेल्टा बी बाई डेल्टा टी था, ये रेट ऑफ फ्लो हमने लिखा था, इसको क्या लिखा था हमने रेट ऑफ फ्लो, इसको एक्चुअली में हम लिखते हैं ए इंटू बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको हम लिखते हैं ए इंटू बी लिखते हैं, ए इंटू बी लिखते हैं। देखो कैसे, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा। ये आपका कोई पाइप है, ठीक है बेटा, ये इसका एरिया है ए, क्या है इसका एरिया है ए। अब बी इसकी वेलोसिटी है, तो बी वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर टाइम को वन कर दें हम तो ये आपका एक वैल्यू दे देगी यहां तक, और ये आपको एक नया सिलेंडर बन जाएगा इसी टाइप का, और जो ये टोटल वैल्यूम बनेगा बी आपका यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो होती है एरिया इंटू हाइट, ये एच बन जाएगा, तो ए इंटू एच मतलब ए इंटू बी बन जाएगा अगर डेल्टा टी को वन कर दें हम तो। ठीक है, तो इसको ए को हम और डिफाइन करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे वही पीछे लिख लेते हैं, उसके हिसाब से इसको भी चेंज कर लेंगे यहाँ पे, इसको रो ए बी स्क्वायर कर लेते हैं और इसको डिफाइन कर देते हैं ए इंटू बी इक्वल टू डेल्टा बी वाई डी, और ए को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो है आपका जो पाइप है उसका जो ये एरिया होगा, जो उसका माउथ होगा उसका एरिया हो जाएगा ए अब। ठीक है, अदरवाइज ए को हमने डेल्टा बी वाई डेल्टा टी रखा हुआ था खाली, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की थी यहाँ पे, और उसको हमने अगर एरिया बना देना है तो ए इंटू बी के टर्म में इसको लिख सकते हैं हम। ये ज्यादा इजी फार्मूला बन जाएगा हमारे लिए, तो उसी के टर्म में ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, टू आ जाएगा, रो हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, जो फोर्स वाल पे एग्जर्ट होगा।
ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लो आप लोग, ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज देखते हैं। क्वेश्चन है ये होमवर्क के लिए है, विंड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 km/h ब्लोज नॉर्मली अगेंस्ट वन वॉल। वन वॉल ऑफ हाउस विद एन एरिया ऑफ 108 m². कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाई ऑन द वॉल if the shear moves parallel to ठीक है बेटा। तो ये इम्पल्स एक छोटा टॉपिक था, हमने इसको देख लिया क्योंकि जरूरी था, पढ़ते नहीं है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर, वो है फ्री। हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो भेजा था ना मैंने आपको, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 इम्पल्स पे ही है। हाँ देख लेते हैं उसको, फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। मैं क्वेश्चन दे दूंगा या मनस्वी से ले लेना, ओके सर, ठीक है, या मैं अभी भेज दूंगा क्लास के बाद में। मैं एक मिनट भेज दे रहा हूँ अभी आपको। क्वेश्चन 23 है ना? सर 24 24 है। हाँ बिल्कुल। देखो ए पार्टिकल ऑफ मास एम स्ट्राइक्स ए वॉल विद स्पीड बी एट एन एंगल 30 विद द वॉल इलास्टिसिटी एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल इज। अब देखो सिंपल है, हमने अभी 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 क्वेश्चन को किया है। इसको क्या किया था हमने, 2 mb cos θ आया था ना? यस सर। 2 mb cos θ। अब यहाँ पे देखो जो cos थीटा दिया हुआ है आपका बेटा, ये दिया हुआ है एंगल आपको, ठीक है, ये थीटा यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपका थीटा कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 2 mb cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो 2 mb cos 60 की वैल्यू बेटा होता है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, m into b हो जाएगा, ठीक है। सर इसमें ये वाला फॉर्मूला रखना है ना बस? बस 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 बिल्कुल इसी फार्मूले को रखना है आपको। ये फार्मूला अभी अभी ड्राइव किया था हमने ना, ये यस सर, ये 2 mb cos θ डेल्टा p वाल 2 mb
कॉस थीटा पर ध्यान रखना कि थीटा जो होगा आपका वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा होगा, ठीक है, और एक्स वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है ना, ठीक है। तो ये अगर आपका 30 था तो ये आपका 60 हो जाएगा, ये 30 दिया था तो ये 60 हो जाएगा। ओके समझ आ गया? यस सर। देखो अब इस पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे भी, ठीक है, वो बिल्कुल इजी गोइंग हो जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो 80% क्वेश्चन बच्चे के मतलब यूं ही बन जाते हैं, ठीक है बेटा। अलवन्य आपको मिला पीटे बेटा, नहीं मिला? नहीं सर अभी नहीं मिला। एक मिनट, भेज दिया मैंने, ठीक है। ओके तो देखो इम्पल्स क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था बीच में जो कि जनरली कभी पढ़ाते नहीं है या पढ़ाया नहीं जाता है बच्चों को, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आता था इसलिए मेरे दिमाग में था कि इसको मैं अच्छे से कवर कर लूं, इसलिए मैंने उसमें टाइम दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअली में जिसपे बाकी क्वेश्चन बनाना है हमको वो है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो कोई मुझे बताएगा फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? चलो बताओ। हम बॉडी को एक मतलब एक डॉट या एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ठीक है, उसके बाद सर वो सारी फोर्सेस बनाते हैं डायग्रामेटिकली जो एक्ट करे लेकिन हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे फोर्सेस को हम बॉडी पे दिखा दें, ठीक है। यस सर। कि कौन कौन से फोर्स कहाँ पे काम कर रही हैं और जिससे हमें इजी हो कि हम उनके डायरेक्शनल वाइज उनके मैग्नीट्यूड को जान पाएं, ठीक है, कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में है उसका रिजल्टेंट जान पाएं हम, ठीक है। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना ले जाते हैं फोर्स के किसी भी बॉडी का, सारे फोर्स को दिखा ले जाते हैं, तो इसमें जो आपका वैल्यू निकालना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, आपने डायग्राम बनाते ही मान लो कि आपने 50-60% क्वेश्चन आपका हो गया, इसके बाद खाली उसको पुटअप करना है, आपको सॉल्व करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बट फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जरूरी है कि आप जो भी फोर्सेस हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस, आपको उनके बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि स्प्रिंग है तो उसमें कैसा फोर्स लगेगा, पुली है उसका कॉम्बिनेशन है तो उसमें जो टेंशन लगेगा उसका डायरेक्शन किस पुली के लिए कैसा किधर होगा, पुली कॉम्बिनेशन एक नीचे है एक ऊपर है एक उसके बीच में है तो कहाँ कहाँ पीटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। एक्चुअली में जो मेन टॉपिक है उस पर हम अब पहुंचे हैं। ओके देखते हैं क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसको FBD बोलते हैं और ये सराउंडिंग से आइसोलेट कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, चाहे तो एक लाइन में इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। लिख लेते हैं एक लाइन में समझने के लिए अपने, हालांकि फाउंडेशन में हमें डिफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती FD FBD की, लेकिन फिर भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है। इन फ्री बॉडी डायग्राम, इन फ्री बॉडी डायग्राम FBD बोलेंगे अब इसको आगे से FBD, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड from its surrounding from its surroundings and the interaction between and the interaction between the object
एंड दिस सराउंडिंग आर रिप्रेजेंटेड बाई आर रिप्रेजेंटेड बाई नहीं आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, नाउ द कॉमन फोर्स जिन्हें हमें फ्री बॉडी डायग्राम में जरूरत पड़ेगी, द कॉमन फोर्सेस कोई बताएगा मुझे? 3 4 5 फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, हाँ द कॉमन फोर्सेस और कुछ इनकाउंटर टेंशन स्प्रिंग, यस इन मैकेनिक्स नीचे एमजी लगता है सर। ओके एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज फोर्सेस थ्रू FBD R R सबसे पहला फोर्स जो लिखेंगे हम, जो आपने बताया हमें वेट, दूसरा फोर्स जो लिखेंगे हम नॉर्मल फोर्स, तीसरा फोर्स जो हम ढूंढेंगे या निकालना चाहेंगे टेंशन, वो होगा टेंशन, चौथा फोर्स जो हम पता करना चाहेंगे वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और पांचवा फोर्स जो होगा वो हम देखना चाहेंगे वो होगा इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। वेट सबसे पहले कोई फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो वेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड फोर्स हम नॉर्मल को देखेंगे, थर्ड फोर्स टेंशन को देखेंगे, फोर्थ फ्रिक्शनल फोर्स को लिखेंगे और सिक्स इलास्टिक फोर्स को लिखेंगे। इनका ऑर्डर हम मेंटेन रखेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे इसमें क्या होगा मिस्टेक होने के चांसेस हमसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। W N T F P, ठीक है। हमारे सर कहते थे ओन पे फी, ठीक है, ओन पे फी W N T F E, ठीक है। इसी ऑर्डर में इसको आप ढूंढो, ठीक है। और ध्यान रखो कि इन सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं हर फोर्स की। जो वेट होगा वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा सिस्टम आपका चाहे जैसा भी हो, जो नॉर्मल होगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा सरफेस चाहे जैसा हो, चाहे सरफेस ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे जैसा भी हो, हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही नॉर्मल फोर्स काम करेगा, ठीक है। जो टेंशन होगा वो डिपेंड करेगा कि एंड टू एंड किस एंड पे आपका वेट आप पुल कर रहा है उसके अगेंस्ट काम करेगा वो, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट काम करेगा, और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो होगा हमेशा जो आपका स्प्रिंग का मोशन होगा उसके अगेंस्ट यानी उसको रिस्टोर करने के लिए काम करता है, ठीक है। तो इन फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा देख करके और हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, एंड यू डोंट नीड टू पे द फी, इट मीन्स ओन पे फी, ठीक है, डब्ल्यू एन टी एफ ई, ठीक है बेटा। हाँ बेटा।
सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना कि हम फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ड्रॉ करें, तो बेटा अगर कोई और। अगर एक बार सीख जाओगे इसको बनाना, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। नहीं सर, मैंने देखा है कई बच्चे मेंटली भी कर लेते हैं, तो कोई मेंटली करने की ट्रिक होती है क्या? अगर आपने इसको एक बार जान लिया इन चीजों को, ठीक है, तो आप चाहे इसको आप चाहे मेंटली कर लो, चाहे आप इसके पेपर पे करके करो, लेकिन अगर आपने इनको नहीं जाना तो फिर मिस्टेक हो जाएगा ना। अब जैसे मान लेते हैं मुझे एक बॉडी दे दी गई, कोई दे दिया गया कि 5 kg का है ये, ठीक है, यस और सर। ये सरफेस पे यहाँ पे है, ये सरफेस आपका लेट्स एंगल 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये, तो आपने इसको इतनी बार किया हुआ है, हमने किया हुआ, तो हमको पता चल जाए कि MG नीचे काम कर रहा है और यहाँ पे जो इसका नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर काम कर रहा होगा। अब अगर मोशन आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, इमिडिएटली इसको इस डायरेक्शन में ब्रेक कर लूंगा मैं, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इसको मैं ब्रेक कर लूंगा इमिडिएटली, इस नॉर्मल को ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये आपका एन कॉस थीटा में ब्रेक हो जाएगा, तो फ्रिक्शन आपका म्यू MG कॉस थीटा बन जाएगा हमारा, तो इमिडिएटली उसको हम दिमाग में भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर फोर्स पता है तब, नहीं पता तो फिर नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। तो सीखना तो इसको पड़ेगा ही आपको, FBB बिना सीखे तो काम नहीं बन पाएगा। हाँ एक बार सीख जाएंगे तो फिर चाहे आप मेंटली करो चाहे देख के करो, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखना है आपको, इस चीज को रख लेते हैं, उसके बाद में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को, आती है टेंशन में, ठीक है, कि टेंशन का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा कहाँ होगा, इस चीज को हमें डिटेल में देख तो आप अगर आपको आता है तो आप लोग मुझे बताओ कि टेंशन को कैसे देखें। देखो ये सबको पता है तो इसको नहीं देखेंगे, नॉर्मल पता है इसको नहीं देखेंगे, फ्रिक्शन पता है इसको नहीं देखेंगे, इलास्टिक स्प्रिंग आपने शायद किया होगा तो ठीक है, नहीं किया है तो इसको भी देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो फोकस हमारा होगा वो टेंशन को जानने में होगा, कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे इसको इक्वेशन में हम फिगर में दिखाएंगे और कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो टेंशन के बारे में कोई प्रॉपर्टी पता बताओ हमको। हेलो हेलो हेलो, यस सर। हाँ बेटा बताओ, टेंशन के बारे में कुछ पता बताओ, कैसे पता करो कि टेंशन का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, टेंशन अप लगेगा डाउन लगेगा A to B लगेगा B to C लगेगा, टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे पता करेंगे इस चीज को हम। सर टेंशन हमेशा बॉडी के जो मोशन है उसका एक्सल उसके ऑपोजिट में लगता है। अगर मोशन हो ही ना हो रहा हो तो सर अगर वो अटैच है तो फिर दो दो ऑब्जेक्ट्स अगर अटैच है तो सर दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई स्ट्रिंग है आपके पास ना, है ना, तो आप स्ट्रिंग के हेल्प से, ये आपका कोई मास है, आपने इस पे एक रस्सी बांध दी, आप इस रस्सी की हेल्प से इसको अपनी तरफ से पुल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में आप इसको पुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, बट आप इस स्ट्रिंग के हेल्प से कभी भी किसी भी बॉडी को किसी भी मास को आप पुश नहीं कर सकते हैं, ओके। तो क्लियर, ए स्ट्रिंग कैन पुल बट कैन नॉट पुश, तो अगर ये पुल करेंगे तो हमेशा टेंशन कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट, ओके। तो लिख लो पहला ओके सर। पॉइंट, इसमें टेंशन जानने में सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, ए स्ट्रिंग कैन पुल बट कैन नॉट पुश,
ए स्ट्रिंग कैन पुल बट कैन नॉट पुश। सेकेंड पॉइंट, उससे पहले एक डायग्राम बना के चेक करते हैं, देखते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए रोप ए बी। दिस इज ए एंड एंड दिस इज बी एंड। ठीक है, एक रूप ले लिया, थोड़ा टाइम मैं 10-5 मिनट और लूंगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, ये टॉपिक कम से कम क्लियर हो जाएगा हमारा, ताकि हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर पाए अगले क्लास में। ठीक है, लिख लो, कंसीडर ए लाइट रूप ए बी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एट एंड। अब रोप की जगह अगर रॉड ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 19-20 जो था वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, एट एंड्स ए एंड बी, वहां पे फोर्स आपके इक्वल नहीं है, यहाँ पे आपके अभी इक्वल लेके देख रहे हैं हम। ठीक है, एंड अपोजिट फोर्सेस एट एंड्स ए एंड बी, लेट अस लेट अस ऑब्जर्व दी। देखो अब क्या कर रहे हैं, ये रोप थी पूरी हमारी ए बी। ठीक है, ये रोप ए बी थी और हम ये मेरी पूरी पूरी रोप ए बी थी, पहले बना लेते हैं पूरा। ये ए बी रोप थी, इस पे हमने दो फोर्सेस लगाए हैं इक्वल एंड अपोजिट, और हम एक पॉइंट इसका सी है उसका हम क्रॉस सेक्शन ले ले रहे हैं। ठीक है, पॉइंट सी है उस पे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जो ये पॉइंट सी है इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं और क्या उनका डायरेक्शन होगा। ये जस्ट 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 इमीडिएट पॉइंट सी है। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस दिखाया था कि हमको इजीली हम इसको विजुलाइज कर पाए, कि जस्ट मैं इस पॉइंट सी पे देखना चाह रहा हूँ इसके फोर्सेस को कि कहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं। इस पे फोर्स एफ लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स एफ लगा हुआ है इस डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, नाउ एट दिस एंड सी हम इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, तो क्या कैसे दिखेगा। देखो ये रोप है, तो रोप आपका ऐसे दिखेगा, सर्कुलर यानी सिलेंड्रिकल होगा, इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से। ये रोप हो गई आपकी। ओके, नाउ ओके, तो सी पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा और किधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, या हम टेंशन के टर्म में बात करें तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे कुछ। या कैसे इसको डील करेंगे। नहीं, चलो देखो बहुत सिंपल है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बने करना हो तो उसमें जो स्टेप वन होता है वो हम क्या करते हैं, हम ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं इनमें सबसे पहले इनका इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करते हैं। तो कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्ट्स ए सी एंड सी बी ऑफ द रोप। पहला स्टेप क्या करो आप, कंसीडर द इक्विलिब्रियम, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्ट्स पार्ट्स ए सी एंड
सीबी आप दी रोप, स्टेप वन, ठीक है। नाउ अब जब इसके इक्विलिब्रियम की बात करें, इस पार्ट के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो हम ध्यान से देखें तो पता क्या चला कि जो सी बी पार्ट है ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, ये देखो, तो पार्ट सी बी ऑफ द रोप अप्लाइज ए फोर्स ऑन ए सी एट पॉइंट सी, ठीक है। कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, एट पॉइंट सी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है ये, और इसको हम क्या लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, इसको हम डिनोट कर सकते हैं एफ ए सी ड्यू टू सी बी, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका ए सी पार्ट होगा वो सी बी पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, किस पे अप्लाई करेगा, सी बी पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, और उसको लिखेंगे एफ सी बी ड्यू टू ए सी। बात समझ आई बेटा? ठीक है सर। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, ये दो फोर्स देखने के बाद में सेकेंड स्टेप हम टेंशन इनकॉर्पोरेट करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे। तो टेंशन दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ रोप, न्यू क्वांटिटी टेंशन दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ रोप आर ए पॉइंट ऑफ द रोप, यानी पूरी रोप की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसके एक पॉइंट की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड व्हिच इक्वल्स दी मैग्नीट्यूड, व्हिच इक्वल्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी फोर्स, व्हिच इक्वल्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी फोर्स विद व्हिच दी रोप पुल्स दी बॉडी, विद व्हिच दी रोप पुल्स दी बॉडी कनेक्टेड टू इट। मतलब अब जब ये हो गया तो देखो, इस पार्ट एसी पे सीबी फोर्स लगा रहा था, कितना फोर्स लगा रहा था, पार्ट एसी पे सीबी फोर्स लगा रहा था एफ एसी, ठीक है, और पार्ट पॉइंट सी पे ही जो पार्ट एसी फोर्स लगा रहा था एफ सीबी, ये क्या होगा इस पॉइंट पे, तो इस ये पॉइंट अगर इस पोर्शन की बात करें तो ये वाला इस वाले थ्रेड से, इस वाले पोर्शन से पुल होगा, और इस पार्ट की बात करें तो ये वाला इस पोर्शन के से पुल होगा हमारे पास। तो यहाँ के हिसाब से क्या कहता है ये, एंड व्हिच इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच द रोप पुल्स द बॉडी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सी होगा वो दोनों से बैलेंस होगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यहाँ इसके लिए बात करें तो टी इक्वल टू एफ ए सी हो जाएगा, और इस वे में बात करें तो टी इक्वल टू एफ सी भी हो जाएगा। तो इस डायग्राम में टी इक्वल टू आपका जो बन जाएगा वो बेटा बन जाएगा एफ ए सी ड्यू टू सी बी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए अच्छे समझ लो, कहीं डाउट है तो भी पूछ लो। एफ सी बी ड्यू टू ए सी, इतनी बात समझ में आ गई सबको या नहीं आई? समझ यस सर। आ गई ना? जब इस पार्ट की बात करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि ये बेट है पूरा, क्या है, ये पूरा का पूरा बेट है, ओके, और ये आपकी थ्रेड है जो कि इसको पुल कर रही है। तो ये इसको पुल कर रही है, तो पुल करने में जो फोर्स लगा रही थी इसके ऊपर, कितना फोर्स लगा रही थी ये,
FAC लगा रही थी, ये कितना FAC लगा रही थी अपने डायरेक्शन में, तो टेंशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी T इक्वल टू FACCB। सेकेंड टाइम में जब हम इसको वेट मान के करेंगे तो ये आपकी फ्लूइड हो जाएगी। बात समझ आ गई ना? ओके तो अलग अलग पार्ट के लिए हम चाहें तो इसको अलग अलग पार्ट पे इसी चीज को दिखा सकते थे, ठीक है। FCB तो FCB लिखा हुआ है, तो FCB का मतलब क्या हुआ कि इस पे जो फोर्स लग रहा है AC की वजह से। तो अलग अलग पार्ट में अगर हम इस चीज को दिखाना चाहें कि यहाँ पे T कितना होगा, इस वाले पोर्शन के लिए दिखाना चाहें तो इस वाले पोर्शन के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, FCB ड्यू टू AC इक्वल टू टेंशन। ये मतलब ये पार्ट आपका इसके द्वारा पुल किया जा रहा है, किसके द्वारा, इसके द्वारा पुल किया जा रहा है ये पूरा पूरा पार्ट। इस वाले पार्ट के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट के लिए FAC फोर्स ड्यू टू CB इक्वल टू T। तो दोनों पोर्शन के लिए हमने देख लिया किसी पॉइंट सी पे कैसे बिहेव करेगा फोर्स और कैसे उसमें टेंशन किस डायरेक्शन में आपका काम करेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, जबकि फोर्स का डायरेक्शन ये था हमारे पास, तो टेंशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा इसके। ओके ओके सर, क्लियर, बात समझ में आ गई? यस सर। नाउ नोट लिख लो छोटा सा, इसके बाद क्लास एंड करते हैं। इंपल्स ने सारा टाइम खा लिया। व्हेन एवर ए बॉडी इज कनेक्टेड टू ए लाइट रोप, it is pulled with a force which is equals the tension, in the rope at that point where the बॉडी इज अटैच। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कहां पे काम करेगा ये बेटा, एट दैट पॉइंट वेयर द बॉडी इज अटैच। जैसे नॉर्मल आपका सरफेस के परपेंडिकुलर होता था, वेट हमेशा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ काम करेगा, उसी तरीके से आपका जो टेंशन होगा वहां पे काम करेगा जहां पे बॉडी अटैच हुई है, ठीक है। ओके ठीक है सर, एक छोटा सा एग्जांपल इसमें करके और हम खत्म करते हैं इसको, ठीक है। लेट्स, ये कोई सरफेस है, इसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे टाई कर दिया, ठीक है, जिसका मास m है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, कैसे इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो रोप है ये क्या कर रही है, इसको पुल कर रही है। कहाँ पे कर रही है पुल, ये पुल ऊपर की तरफ कर रही है ना इसको, बॉडी को,
तो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये बॉडी हो गई, इसका मास कहाँ काम करेगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, और टेंशन कहाँ काम करेगा, किसी पॉइंट पे जहाँ पे टाइट हुई है, और कहाँ काम करेगा, इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो हियर यू कैन सी दैट कि दिस रोप पुल्स दिस पार्टिकल, ठीक है, विद ए फोर्स व्हिच इज इक्वल टू द टेंशन इन द रोप एट द पॉइंट वेयर द पार्टिकल इज अटैच्ड। दिस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पे पार्टिकल आपका अटैच हो रहा है, ठीक है। इतना बड़ा डायग्राम दिखाते हैं, जनरली जब बच्चे लिखते हैं टी को तो ऐसे दिखाते हैं ये, ठीक है, समझा गया, ऐसे टी दिखा देते हैं बच्चे, लेकिन मीनिंग समझना होगा हमको, वो इस पॉइंट पे काम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। नाउ एक टेंशन यहां पे भी होगा, ठीक है, ऑल्सो दिस रोप पुल्स दी सपोर्ट बाई ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई टी। भाई ये यहाँ पे तो आप अटैच हो रहा है ना, अगर मान लो ये इसके साथ सिस्टम मान लें तो इसके लिए अटैच हो जाएगा ये, तो इस केस में अगर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे हम, तो तीनों के लिए एक छोटी सी एक एक लाइन है इनके लिए, इनको लिख लेते हैं। पहले के सिचुएशन के लिए दी रो पुल्स दी पार्टिकल विद ए फोर्स व्हिच इज इक्वल टू व्हिच इज इक्वल टू दी टेंशन इन दी रोप। एट दैट पॉइंट एट द पॉइंट दैट एट द पॉइंट वेयर दी पार्टिकल इज अटैच। सिमिलरली इस सिचुएशन के लिए आल्सो दी रोप पुल्स दी सपोर्ट पुल्स दी सपोर्ट बाई ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई टी टेंशन इन दी रो एट दैट पॉइंट वेयर इट इज अटैच्ड टू दी सपोर्ट इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी फोर्स।
ठीक है बेटा, तो ये सिस्टम में दो जगह पे टेंशन काम कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे इसको ये ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की बात करें तो इसको नीचे की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब हमसे स्टूडेंट पूछते थे या बच्चे पूछते हैं कि सर टेंशन को हम ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं क्या? तो हम उनको कहते हैं इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया कि टेंशन सिर्फ वहीं पे काम करता है जिस पॉइंट पे इसका अटैचमेंट है। ओके बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्लास में इस पे हम, अभी कुछ न्यूमेरिकल है हमारे पास, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि फ्रिक्शन आप लोगों को आता है। इलास्टिक स्प्रिंग अगर रिक्वायरमेंट हुई तो 5 मिनट लगेगा, मैं इसको देख करके फिर इस पे खाली फ्री बॉडी डायग्राम पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सर करूंगा। मुझे फ्रिक्शन नहीं आता। अगर नहीं आता तो फ्रिक्शन हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पहले फ्रिक्शन देख लेंगे, फिर स्प्रिंग देख लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज मैंने क्या क्या पढ़ी है? इम्पल्स पढ़ लिया हमने, लाज ऑफ मोशन पढ़ लिया है। तो अभी जो आपने क्वेश्चन भेजा है इसमें से इस पे बेस्ड जो भी टॉपिक है, क्वेश्चन है, उनको आप लोग बना लो, जो भी क्वेश्चन है उन्हें मार्क कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उनको देख लेंगे हम, ठीक है? इतने टॉपिक पे ओके बेस्ड, सर। इसके आगे का टॉपिक जब देखेंगे तब भी देखेंगे हम, ठीक है? थैंक यू सर। समझ में आ गया बेटा? इम्पल्स समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आ गया? आ गया सर। आ गया सिंपल सर। समझ में आ गया। अटेंशन, आ गया सर। अटेंशन सिर्फ उसी पॉइंट पे लगेगा जहां पे इसका अटैचमेंट होगा, और ये हमेशा क्या करेगी? पुल करेगी, कभी भी उसको पुश नहीं कर सकती है, ठीक है? ठीक ठीक है सर। है बेटा, थैंक यू बेटा। ओके सर। बाय सर।